मैं सॉरी यस सागर, प्लीज कंटिन्यू। ओके सो आई हैव बीन वर्किंग एज अ रेसिडेंट वीजे इन इंडियाज टॉप मोस्ट क्लब लाइक प्लेबॉय क्लब मुंबई देन बैरल एंड देर आर सो मेनी क्लब्स इन मुंबई एज वेल. सो वॉट यूजली हैपन्स इज डीजे प्लेज म्यूजिक एंड वी नीड टू सिंक अकॉर्डिंगली टू देयर म्यूजिक्स लाइक समटाइम्स वी नीड टू प्ले वीडियोज अकॉर्डिंगली समटाइम वी जस्ट वर्कआउट विद विजुअल्स लाइक दैट. सो आई विल शो यू डायरेक्टली. डू यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस इंडस्ट्री आर नाउ? सो आई विल डायरेक्टली जम्प टू द डेमो सेशन वॉट एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर लुक्स लाइक एंड देन विल सी वॉट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग. आई टेल यू हाउ द फ्यूचर स्कोप इज देयर इन दिस वीजिंग. सो विल स्टार्ट दिस सॉफ्टवेयर नाउ. ओके Sagar, just one second, just hold on. I think Govind and Devang also have just joined. So Govind, Devang, आपके बाद में हम आपसे भी पूछेंगे इसके बारे में. अभी आप सिर्फ डेमो एंजॉय करिए. ओके मे बी गोविंद को सर ऑडिबल नहीं होगा, उसने कनेक्ट नहीं किया ऑडियो. हाँ, ऑडियो कनेक्ट नहीं किया, ठीक है. वो देख सकता है, जब तक देख रहा है तब तक ठीक है. ओके पूनम है ना? पूनम, आप गोविंद को बता दीजिए कि हिज ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड. ओके सर. अच्छा गाइस, अगर आप में से जो भी मोबाइल पे देख रहे हैं, एक सेटिंग है शो मीटिंग कंट्रोल्स, मतलब मीटिंग सेटिंग है, उसमें शो मीटिंग कंट्रोल्स ऑफ करिए तो यू विल गेट अ फुल स्क्रीन व्यू. लेकिन अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप से देख रहे हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, यू विल गेट अ फुल स्क्रीन व्यू. यस सागर सर, प्लीज गो अहेड विद द स्क्रीन शेयर. ओके सो फर्स्ट आई विल टेल यू सम ऑफ द नेम of softwares which we have in the industry and frequently use softwares like we are having grand vj resolume and vdmx like that. So there are so many softwares, but as per the industry standards nowadays resolume arena is the software which is used by almost 90% of users. User, 90% of VJs are using Resolume software. Internet globally. Can you repeat it? Sorry. Can you just repeat the software name? Resolume Arena. So I'll show you directly. I'll share my screen. Just a moment. Can you see the screen? Can you all see the screen? Yes, sir. Okay. So this is how our software looks. The name of this software is Resolume Arena, as you can see on left top corner. So I will first show you the demo, then I'll tell you about some effects and everything. I will give you overview of this software. So let's start the music then. Okay. Prendelo, 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 prend
Hello. Yes, Sagar sir. So have you guys seen what I have done right now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Mic, I think sabke switch yeah. So basically अभी मैंने जो किया है एज ए वीजे पार्ट में उसमें बहुत से इफेक्ट्स बहुत से लाइव स्ट्रोबिंग विजुअल्स बहुत से सारे ऐसे इफेक्ट्स है जो इसमें हमने क्रिएट ऑलरेडी मैंने क्रिएट करके रखे हैं और जो मैंने यूज किए सो लेट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द कंटेंट इज जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो जो ये एक वीडियो प्ले हो रहा है सो हमारे इंडस्ट्री में वीजिंग में इसे कहा जाता है विजुअल्स या फिर वीजे लूप्स अकॉर्डिंग बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखोगे इसको यहाँ पे एक टाइमलाइन जा रहा है तो ये टाइमलाइन पे मैं भी पॉज कर देता हूँ एक मोर देन 10 सेकेंड मतलब 5 to 10 seconds के वीडियोज होते हैं लूप में जो लूप क्रिएट होता है और वीडियो कंटिन्यूसली यू कैन प्ले टिल अनलिमिटेड टाइम वहां पे ऐसा कोई आपको इशू नहीं आएगा मतलब कंटिन्यूसली सीमलेसली ये लूप चलते रहेगा तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वीजे लूप तो एक वीडियो होता है जिसका स्टार्ट टू एंड सेम पार्ट रिपीट होते जाते रहता है जैसे कि अभी हमारे पास आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारे लूप्स है सम एम्बियंस है देन यहाँ पे बेसिकली जैसे बहुत सारे लूप्स है जो हमें अकॉर्डिंगली आप म्यूजिक के हिसाब से यूज कर सकते हैं तो इसमें थोड़े से इफेक्ट्स मैंने यूज किए जैसे RGB होता है यू होता है जिससे कलर चेंज होते हैं तो ये सारे इनपुट्स जो है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स सारे वैल्यूज डाल के रखे हैं इसलिए इजीली यहाँ पे मुझे सारे इफेक्ट्स डालने के लिए मिले सो और उस पे जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में वेलकम टू पार्टी मैप अकेडमी वगैरह डाला था सो यू कैन सी यहाँ पे हम लोग किसी का भी नेम डाल सकते जैसे कि वी कैन जस्ट पुट वेलकम लेट्स से हैप्पी बर्थडे और विल राइट पेंडेमिक और एनीथिंग सो कभी कभी हमें रिक्वेस्ट ऐसे आ जाती है क्लब में कि किसी का नाम रहे या कुछ स्क्रीन पे कुछ लेट्स से हम लोग वेडिंग के इवेंट में और वहाँ पे हम लोग को कुछ नाम किसी का स्क्रीन पे डालना है या वॉट एवर कंटेंट जैसे अभी हमने यहाँ पे लोगो प्लेस कर दिया है ये हमारा लोगो है तो ये पूरा जो अभी आप देख रहे हो ये सारे विजुअल्स तो इसको बोला जाता है टाइमलाइन इस टाइमलाइन पे आपको जितने विजुअल्स चाहिए अकॉर्डिंगली जो आपको लाइव शो में यूज होने वाले हैं तो ये पूरे टाइमलाइन पे आप विजुअल सेट करके रख सकते हो देन यहाँ पे थोड़े से पैनल्स जैसे कंपोजिशंस इफेक्ट्स सोर्सेस तो ये सारे इफेक्ट्स हैं जो जैसे यहाँ पे मैंने यू बनाया तो यहाँ पे 3-4 इफेक्ट्स मैंने कोलैब एक साथ मर्ज करके एक इफेक्ट बनाया है ये ट्विच इफेक्ट होता है ये सारे इफेक्ट क्रिएट किए हुए हैं तो हम लोग लाइव में ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं शॉर्टकट्स वगैरह से जो आपको कम्प्लीटली जब कोर्स चालू होगा तो आपको पता चल जाएगी एक्चुअली उसमें क्या क्या होता है सो ये सारी चीजें हो गई देन कंटेंट मैटर ये करता है जैसे अभी अभी स्क्रीन ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे सॉफ्टवेयर वर्क होता है क्या विजुअल्स डालने हैं कैसे इफेक्ट्स है वगैरह बट अभी यही चीज आपको दूसरे LED स्क्रीन पे भी दिखानी होती है तो मेजर पार्ट ऐसा होता है कि जो LED अभी हम लोग इवेंट में जा रहे हैं तो इवेंट में हमने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से स्लाइड्स होते हैं LED के बहुत से अलग अलग डिजाइन बने होते हैं कभी कभी स्क्वायर होता है देन बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट्स में छोटे छोटे ऐसे पीसेस लगे होते हैं तो वहां पे मैपिंग और ये सारे कंसेप्ट है जैसे मैपिंग करना होता है विजुअल्स को आप अकॉर्डिंगली मैप कर सकते हो ये सारी चीजें होती है ओके सो ये सारी चीजें होती है उसमें एंड फिर आपको जैसे आपका कुछ कस्टम कंटेंट है जैसे अभी मैंने बीच में हमारा कस्टम कंटेंट भी डाला था तो अभी इसमें है नहीं वो बट कस्टम कंटेंट आप यहाँ पे क्रिएट करके डाल सकते हो उसके लिए बहुत से सॉफ्टवेयर है जैसे फोटोशॉप आफ्टर इफेक्ट वगैरह से आप खुद कंटेंट भी क्रिएट करके अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आप यूज कर सकते हो और इसमें चल सकता है सो बेसिकली ये अपने सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू था मैं आपको थोड़ा सा एंड में फिर से एक बार डेमो दिखा दूंगा एक ओवरव्यू करके कैसा प्रोसेस होता है क्या होता है तो इसमें मेजर हमारा ऐसा है कि स्कोप लेट्स टॉक अबाउट स्कोप अबाउट दिस बट उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा
कि इसमें जब हम लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ रिजोल्यूम ही, मतलब हम एज ए वीजे, अगर हम सोच रहे कि हम वीजे है तो एलईडी हैंडल हो सकता है, पूरा इवेंट चल सकता है, तो ऐसा नहीं है. हमें हमारे जो एलईडी के पूरा स्टाफ होगा जो एलईडी स्टार्ट करता है, जैसे हमें ऐसा नहीं है कि बस प्लग करो और इवेंट चालू हो गया, ऐसा नहीं होता है. हमें पहले प्री प्रिपरेशंस भी होते हैं बहुत सारे, जैसे अभी एलईडी का XML फाइल्स निकलते हैं, तो वो XML फाइल्स लेके आप प्रॉपर मैपिंग वगैरह करोगे और उसके बाद में फिर आप लाइव विजुअल शोकेस कर सकते हो. उसके सिवा आप, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि चलो लेट्स स्टार्ट विद अपना इवेंट, में जा रहा हूँ ऑन द टाइम, इवेंट चालू हो रहा है और हम लोग प्ले कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता. तो हमें XML फाइल्स लेने होते हैं, बहुत सी चीजें हैं जैसे हमें एक एक लेना पड़ता है, जैसे XML फाइल्स हो, देन मैपिंग का स्ट्रक्चर होता है. अगर आई थिंक आपने अगर देखा होगा तो स्टेज, आपने किस किस ने यहाँ पे लाइव इवेंट्स अटेंड किए, जैसे बड़े बड़े सनबर्न हो गए या ऐसे बड़े बड़े जो इवेंट्स है, टुमारोलैंड किसी ने देखा होगा ऑनलाइन वगैरह, किसी ने देखा है? So guys, not only DJ events, कोई भी wedding, wedding corporate हो गया, किसी corporate में आप show करे तो यहाँ पे presentation चलते हैं. हाँ, मैंने देखा. तो ये सारी चीजें कैसे होती है, जैसे अभी presentations होते हैं corporate events में, तो presentation हमें already वो पूरा content, जैसे normal formats ये software accept नहीं करता, मतलब बेसिक फॉर्मेट जो है जैसे जेपेग और पीएनजी होते हैं वो सारे फॉर्मेट ले लेता है, बट कभी कभी पावर पॉइंट लेके आ जाता है कोई, या कोई बोलता है रियल टाइम एनिमेट करो, तो ये सारी रियल टाइम में होने वाली चीजें नहीं है. तो हमें कंटेंट, इवेंट शुरू करने के लिए पहले हमें हमारा कंटेंट सॉर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली ये जो अभी हमारा है वो कंटेंट है. सिमिलरली विद वेडिंग्स, वेडिंग में तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एलईडी स्क्रीन के पैनल्स लगे होते हैं, पोर्ट्रेट में होते हैं और बीच में सेंटर होता है, तो उस टाइम पे हमारा एडवांस मैपिंग आता है, जहाँ पे मतलब वो सॉफ्टवेयर के अपने सिलेबस में है, जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कम्प्लीटली मैपिंग कैसे करना है. मतलब आपको 5 स्क्रीन होंगे तो मल्टीपल आउटपुट्स कैसे देने हैं स्क्रीन को, हर एक स्क्रीन में अलग अलग कंटेंट दिखाना हो, जैसे हमें लेफ्ट साइड में कुछ लोगोज दिखाने हैं, राइट साइड में कुछ लोगोज और सेंटर स्क्रीन में कुछ अलग दिखाना है, हमारा विजुअल कंटेंट दिखाना है, तो वो कम्प्लीटली मैपिंग पार्ट में आता है. तो ये मैपिंग पार्ट वगैरह, ये सारी जो चीजें एडवांस मैपिंग, आप जब कोर्स इनरोल करोगे तो आपको उसमें कम्प्लीटली डिटेल्स में सिखाया जाएगा कि कैसे मैपिंग होता है, कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाता है, देन अकॉर्डिंगली आपको सॉफ्टवेयर का फॉर्मेट्स कौन से है, विजुअल लूप्स कैसे क्रिएट करके उस फॉर्मेट में लाने हैं, वीडियो के कोडेक्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको कोर्स में बताई जाएंगी. तो मतलब स्टार्ट टू एंड, जैसे सॉफ्टवेयर के ओवरव्यू से लेके सॉफ्टवेयर के एडवांस मैपिंग तक और एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी प्लगइन्स के साथ पूरा जो कोर्स है आपको कंप्लीट कोर्स में दिखाया जाएगा कि उसमें क्या चीजें हैं और क्या नहीं. तो आपको कुछ और सवाल होंगे, अगर आपने कुछ देखा होगा लाइव इवेंट और उसमें कुछ आपको ऐसा लगा होगा कि कुछ है शोज जो मुझे, मैंने देखा है बट ये कैसे करते हैं मुझे पता नहीं, तो ऐसे कुछ डाउट्स है? अरे काम करते हैं, डाउट्स के पहले एक सेट हो जाए, ओके, एंड देन एंड में हम डाउट क्लियरिंग कर लेते हैं. श्योर. तो But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave for? I know class. I'll be so fake.
she a scream and a beg and a holler. Girl, she a scream and a beg and a holler. Girl, she a scream and a beg and a holler. Girl, she a scream and a beg and a holler.
Hello. Excellent, sir. Excellent. So, guys, अब आप you can turn on your mics, talk to us. कैसा लगा आपको ये demo? So, I'll start with Avinash. Hi. Am I audible now? Yes, you are. Wonderful. Okay, great. बहुत अच्छा लगा मुझे. कोई कुछ doubts है अभी पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर. Go ahead. कहाँ से हैं पहले आप ये बताइए अविनाश. हाँ, मैं हैदराबाद से हूँ. ओके, चलिए, हैदराबाद से आप भी हैं और मोहम्मद भी है. मोहम्मद, हाय मोहम्मद. ओके, पहला क्वेश्चन है कि यार बहुत वीडियोस जो दिखाए हैं उसका कंटेंट भी रिजल्यूम के अंदर कर सकते हैं कि नहीं तो बाहर करके इंपोर्ट करना है? सॉरी, आपका आवाज थोड़ा क्रैक हो रहा है. आपने क्या बोला? मैं समझ गया अविनाश. आई विल आस्क हिम. Avinash is asking whether Resolume comes with the internal content, the library, or we have to import the library. Okay, so Avinash ji, Resolume हमें थोड़ा सा जो basic content है वो हमें देता है practice purpose के लिए और with license के साथ. अगर आप license purchase कर रहे हो तो ये आपका basic content है. जैसे देखो, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये सारे content जो है ये music के साथ है. ये सारे जो कंटेंट है वो इनबिल्ट कंटेंट आपको मिलेंगे रिजल्यूम के अंदर. जैसे यहाँ पे शॉप है और एक जनरेटर जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो रियल टाइम में. लेकिन अगर आपको कुछ कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो बहुत सारे वेबसाइट्स है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो. जैसे रिजल्यूम का अपने कस्टम विजे लूप्स है जहाँ से आप परचेस कर सकते हो सारे लूप्स. जैसे अभी ये आपने मेरा पूरा कंटेंट देखा था यहाँ पे, ये स्क्रीन पे, ये कम्प्लीटली परचेस कंटेंट है. और इसमें थोड़ा परचेस है, थोड़ा फ्रेंड्स ने क्रिएट किया हुआ है, देन थोड़ा जो है यूट्यूब से डाउनलोड कर सकते हैं आप. बट मोस्ट ऑफ द टाइम यूट्यूब से जो हमें कंटेंट मिलता है वो बहुत लो क्वालिटी मिलता है. तो प्रीफर करते हैं कि रिजल्यूम वेबसाइट से कंटेंट लेना चाहिए या फिर आप बहुत से वेबसाइट है जहाँ से कंटेंट ले सकते हैं. तो हम आपको आगे बता देंगे जैसे जैसे. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन है, जो आपने एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया है ना, हाँ, उसके फेस के अंदर अगर हमारे पास दूसरा और वीडियो है तो वो वीडियो से लाइव ऑडियंस का फेस रिकॉर्ड करके उसके फेस के अंदर डाल सकते हैं क्या? हाँ, जरूर डाल सकते हैं. ये सारी चीजें एडवांस मैपिंग के अंडर आती है. तो अराउंड ये मतलब 2 से 3 घंटे का काम हो सकता है एलईडी सेटअप के साथ में और मैपिंग के साथ में. तो अभी मैं आपको लाइव में तो वो चीज बता नहीं पाऊंगा डेमो में, बट ये सारी चीजें हमारे कोर्स में सिखाई जाएंगी. जो एडवांस मैपिंग बोलते हैं उसे, जो अगर आपको समझो उनके फेस में आपको अपना वीडियो दिखाना है या फिर नाम ही प्ले करना है, वॉट एवर, आप मास्क कर सकते हो और वो सारी चीजें मैपिंग में हो जाती है. तो आप सब कुछ कर सकते हो. ठीक है. और 3D का सपोर्ट कैसा है? अगर हम GLTF या कुछ FBX मॉडल्स को इम्पोर्ट कर सकते हैं? कौन से मॉडल्स को? 3D मॉडल्स को. 3D मॉडल्स के फॉर्मेट पे डिपेंड होता है. जैसे कि अब ये सॉफ्टवेयर है जो DXV3 कोडेक के साथ ही वर्क करता है. अगर आप दूसरे कोडेक के इसमें का वीडियोस इंपोर्ट करोगे तो वो लैग होगा या अटकेगा, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आएंगे. तो अगर आपका 3D जो बना है वो DXV3 कोडेक के साथ बना है तो आप प्ले कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. पर क्योंकि सिर्फ 3D कंटेंट ही नहीं, अगर आपको 3D कंटेंट कहाँ पे प्ले करना है तो वो LED स्क्रीन का सेटअप भी 3D में होना चाहिए, अदरवाइज वो 3D कंटेंट का कुछ मीनिंग नहीं होता. हाँ. और एक VJ को DJ के साथ, what is the link between VJ and DJ? Should they be together or एक like can they be independent or what is the relationship? It depends according to, मतलब basically आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो. जैसे अभी मैंने आपको सॉन्ग के साथ सिर्फ विजुअल सिंग करके दिखाई है. तो बहुत से डीजेस है डीजेइंग इंडस्ट्री में जिनके अपने टाइप से वीजेस के साथ, जो अपना खुद का वीजे साथ में लेके जाते हैं और उनका जो कस्टम कंटेंट क्रिएटेड होता है वो ऑलरेडी प्रीमेड कंटेंट होता है, जो कंटेंट वो लाइव में प्ले करते हैं. तो अगर आपके पास ऐसा कि कोई डीजे है तो आप उनके साथ पहले ही पूरा प्लानिंग कर सकते हो कंटेंट का, या तो फिर अगर आपको रियल टाइम में मिक्सिंग करना है लाइव में वगैरह सब कुछ करना है तो आप या तो सिर्फ विजुअल्स के साथ, जितना आपका म्यूजिक लिसनिंग का एबिलिटी है, जितना आपका एक्सपीरियंस है इसके साथ, उस हिसाब से आप इसको विजुअल्स मैच कर सकते हो, या फिर आप राइट बिहाइंड द डीजे ऐसे बाजू में ही खड़े रह के आप देख सकते हो कि क्या म्यूजिक, कैसा म्यूजिक प्ले हो रहा है. और मोस्ट ऑफ द टाइम वेडिंग इवेंट्स वगैरह में आपको वीजे और डीजे पास आसपास में ही दिखेंगे. तो ये डीजिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है, बट अगर आप
बड़े बड़े कंसर्ट्स में जाओगे तो वहां पे आपको डीजे के बाजू में खड़े रहने नहीं मिलता, तो आपको म्यूजिक के आपका अपने नॉलेज के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको म्यूजिक सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, और आप जो बोल रहे हैं पहले टुमरोलैंड ऑनलाइन या सनबर्न, ऐसा कुछ लिंक्स यूट्यूब में या कुछ है क्या देखने के लिए, कुछ चैट में भी लिंक्स बहुत, अगर आप सनबर्न लाइव सेट या टुमरोलैंड लाइव सेट, अगर आप जो भी म्यूजिक, ऐसा नहीं है सनबर्न या टुमरोलैंड, आप बड़े बड़े सिंगर्स के इवेंट्स भी देख सकते हैं, जैसे नेहा कक्कर का लाइव इवेंट हो, जुबिन नोतियाल का हो, बड़े बड़े सिंगर्स के लाइव इवेंट्स में भी, जैसे वेडिंग के इवेंट्स हो, तो उनके बैकड्रॉप पे बड़े बड़े एलईडीज लगे होते हैं, तो उस पे जो कंटेंट चल रहा है वो बेसिकली वीजे का, मतलब हमारा काम है। ठीक, और एक जनरल क्वेश्चन है, अब कैसा है अपॉर्चुनिटीज, अब खोल गया है क्या लाइव इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज, जनरल क्वेश्चन है, शायद लास्ट में भी आप आंसर कर सकते हैं, मगर मेरा क्वेश्चन इतना ही है, थैंक यू। नहीं नहीं आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था, अपॉर्चुनिटीज कैसा है, अभी मार्केट खोल गया है क्या लाइव इवेंट्स के लिए पैंडेमिक के बाद? ओके, तो अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे ना अविनाश जी, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, अभी 2 साल से हमारा पैंडेमिक चल रहा है, फिर भी हमने ऑनलाइन शोज इतने किए हैं लाइव में, कॉर्पोरेट इवेंट्स बोलिए, देन अगर आपने देखा होगा बहुत से डीजेस लाइव जा रहे हैं, तो उनको लाइव लेके जाना, उनके लाइव में विजुअल्स करना, जैसे यूट्यूब पे कोई लाइव जाता है, कोई फेसबुक पे, कोई जूम पे, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में इवेंट्स करते हैं, तो ये सारे जगह पे स्कोप तो है। बेसिकली आपका जो काम है आप किस लेवल तक उसको बढ़ा सकते हो आपकी क्रिएटिविटी से, उसके ऊपर आपका आगे का कम्प्लीटली करियर डिपेंड करता है, बट यस स्कोप इस इंडस्ट्री में बहुत है, आपके बेसिकली कम्प्लीटली वर्क के ऊपर डिपेंड है, आपका वर्क के ऊपर आपको आगे स्कोप बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब ये पूरे 2 साल में हमने पूरे टीम के साथ बहुत से वर्चुअल इवेंट्स किए हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा 3D मॉडल खड़ा करके लाइव शोज दिखाया, तो यस फ्यूचर स्कोप बहुत बढ़िया ही। थैंक यू, और कोई है जिसे क्वेश्चंस है थोड़े? हाय, आई वांट टू नो कि अगर हम आई मीन जैसे ये रेज्यूम एलियो है ना, उसके साथ सॉफ्टवेयर अपडेट होता है क्या? जैसे रिजोल्यूम 1 से लेके आज रिजोल्यूम 7 तक आके अरेना पे आ गया, तो 7 जो है वर्जन, वैसे आप एक एक वर्जन अपग्रेड होते जाओगे तो ऑब्वियस है उसका जो भी कंपनी ने प्राइस रखा है आपको वो पे करके लेना ही पड़ेगा, बट देन यस जो अमाउंट कंपनी डिसाइड करते हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं वो हमें पे करके हमें फ्री अपडेट्स मिलते हैं, बट अपग्रेड करना पड़ता है। कैन आई आस्क के रेज्यूम अरेना का आई मीन लाइसेंस कितने में आएगा? रेज्यूम अरेना का जो लाइसेंस है, जैसे बहुत से पैकेजेस है बेसिकली, बट अगर हमारा आप रेज्यूम के वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे उन्होंने प्राइस वगैरह सब कुछ कंप्लीटली मेंशन कर रखा है, बट कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी होते हैं कंपैरेटिवली, आप जैसे जैसे कोर्स शुरू करोगे वहाँ पे आपको आइडिया भी आएंगे, तो सॉफ्टवेयर के प्राइसिंग वगैरह है, तो अभी अरेना का करंट प्राइस जो है वो 800 यूरोज है, तो वो अरेना का प्राइस है, बट देन आप बड़े बड़े लाइव इवेंट्स करते हो तो आपको वो परचेस वर्जन होना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे मेरा जो ये वर्जन है वो परचेस्ड है, तो बड़े बड़े इवेंट्स में आपको पहले पूछा जाता है कि आपका सॉफ्टवेयर परचेस्ड है या नहीं है, तो लाइसेंस बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। समझो कभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, हम लोग लाइव इवेंट चल रहा था हमारा, और रिजोल्यूम का कुछ तो रिसेंट अपडेट आया था, उसके वजह से उनका जो मैंने अपडेट करने के बाद तो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल नहीं रहा था, बहुत से इश्यूज दे रहा था, जैसे ब्लैकआउट हो जा रहा था बीच में स्क्रीन, तो वहां पे टेक्निकल ग्लिचेस मुझे समझ में आ रहे थे, लेकिन क्लाइंट को हम ये नहीं बता सकते कि बाबा टेक्निकल ग्लिचेस है सर, तो परचेस कॉपी होने का फायदा ये मुझे ऐसा हुआ कि वो लोग इमीडिएटली उन्होंने मेरा कंप्यूटर टीम व्यूअर पे लिया रिमोट डेस्क पे, और जो कुछ भी इशू था वो सॉल्व कर दिया, तो बेसिकली परचेस कॉपी होने का ये फायदा कि आपको रियल टाइम सपोर्ट मिलता है वो लोगों की तरफ से, और वो आपका सॉफ्टवेयर का जो कुछ भी इश्यूज होते हैं वो सॉल्व करके देते हैं।
ये लाइसेंस लाइफ टाइम रहेगा या फिर रिन्यू करना? लाइसेंस लाइफ टाइम होता है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो यस आपको पे करके करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सेम वर्जन के साथ रहना चाहते हैं तो ये लाइसेंस लाइफ टाइम होता है। सर आप कौन सा वर्जन रिकमेंड करोगे ओरिजिनल ये रिज्यूमे? मैं अगर रिकमेंड करने जाऊंगा तो ऑफ कोर्स लेटेस्ट वर्जन ही करूंगा, क्योंकि मैं रिजोल्यूम 7 पे हूं अभी और आई थिंक रिजोल्यूम 7 बेस्ट वर्जन मुझे लगता है। ओके सर। क्योंकि उन्होंने बहुत से इवेंचुअली टाइम के साथ रिजोल्यूम वालों ने भी बहुत से अपग्रेड्स लाए हैं, बहुत सी चीजें लाई है जो आपको, अगर आप रिजोल्यूम फर्स्ट जो रिलीज हुआ था वो अगर आप आज यूज करोगे तो आप रियल टाइम में पॉसिबली आपको उतना कंटेंट के साथ खेलने नहीं मिलेगा, जो इफेक्ट्स है वो सारी चीजें हैं, बहुत सी चीजें कंपाइल की गई है इसमें नए वाले में। ओके सर, थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो। I think guys, so Poonam ma'am, I think you can contact each of them. Guys, our demo comes to an end over here. So how did you enjoy? Did you like the demo? Was the quality good at your end? Bataiye, give us a feedback. Okay, I'll go first. First of all, thank you. I'm from another country and I really enjoyed. I got exactly what I wanted to know. Can you tell more about the course? See, Poonam, yes, that we will take it offline with Poonam ma'am. I hope every one of you are connected on WhatsApp or WhatsApp call or regular call with Miss Poonam. Is that correct? Yes, correct, sir. Okay. So, guys, anybody else wants to any appreciation or feedback for us or any area of improvement for this demo? कोई बताना चाहता है कोई, या तो ठीक लगा या इम्प्रूव हो सकता है ये डेमो? नहीं, इट वाज वेरी गुड अपार्ट फ्रॉम योर साइड, थैंक यू फॉर द डेमो मिस्टर निखिल। थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू सो मच। अविनाश, वंडरफुल क्वेश्चंस फ्रॉम यू, वेरी एक्टिव, वी एंजॉय आंसरिंग योर क्वेश्चंस। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सागर सर।